गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस श्रीमती कृष्णा मूर्ति 2021। ये केस 202 डायरेक्ट टैक्स रिपोर्टर पेज नंबर 89 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 54F पर है। सेक्शन 54F जो है वो उन केसेस में एग्जम्पशन की बात करता है जब असेसी जो है वो अपनी कोई ऐसी यूनिट को बेचता है जो कि रेजिडेंशियल के अलावा होती है और उसका कैपिटल गेन जो है वो किसी रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर इन्वेस्ट कर करके उसको लेना चाहता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 54F की जो मेन कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि जिस डेट पर असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके जो कैपिटल गेन के एग्जम्पशन वो लेना चाहता है उस डेट पर असेसी के पास खाली एक रेजिडेंशियल यूनिट हो, एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट ना हो। इस केस में जो असेसी था उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी और उसके ऊपर कैपिटल गेन की जो रिटर्न थी वो फाइल नहीं करी थी। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया गया था। असेसी ने सेक्शन 148 की अवज में अपनी रिटर्न फाइल करी और रिटर्न फाइल करने के बाद उस रिटर्न के अंदर असेसी ने ये दिखाया कि साहब मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी, दोनों रेजिडेंशियल थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी का असेसी जो है वो कमर्शियल यूज कर रहा था। आईटीओ साहब को ये बात कन्विंस हो गए और उन्होंने असेसी को एग्जम्पशन दे दी। उन्होंने ये कहा कि दो रेजिडेंशियल यूनिट होने से कुछ नहीं होता, जो कंडीशन है सेक्शन 54F की वो ये कहती है कि आपके पास एक रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए, लेकिन इस केस में असेसी के पास दो रेजिडेंशियल यूनिट थी जिसमें से एक रेजिडेंशियल यूनिट असेसी ने कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दी हुई थी। तो सेक्शन 148 का जो केस असेसी का लगा था उस केस में एओ ने असेसी को इस चीज का रिलीफ दे दिया ये कहते हुए कि आप इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपकी वो रेजिडेंशियल यूनिट है, लेकिन क्योंकि आप उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं इसलिए वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी और आप उस कंडीशन पे पूरा खरा उतरते हैं कि आपके पास एक ही रेजिडेंशियल यूनिट है और आप सेक्शन 54F की एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन बाद में इसका सीआईटी साहब ने 263 किया और इस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया। असेसी जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी के अंदर असेसी को आईटीएटी ने रिलीफ दिया। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी असेसी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि असेसी के पास दो रेजिडेंशियल यूनिट थी और सेक्शन 54F की कंडीशन ये है कि असेसी के पास एक ही रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए, लेकिन दो रेजिडेंशियल यूनिट में से असेसी खाली एक ही यूनिट का रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा था और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो असेसी ने कमर्शियल पर्पसेस के लिए किराए पे दी हुई थी। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी के पास दो रेजिडेंशियल यूनिट्स थी, दो रेजिडेंट्स के घर थे। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर हालांकि असेसी को बेनिफिट दिया गया इस केस इस चीज का कि जो असेसी है वो अपनी प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज कर रहा था, लेकिन इस टाइप के केसेस को असेसी को अपनी टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन के लिए यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके के केसेस डिसाइड होते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखा जाता है और कई बार ऐसे केसेस आगे और लिटिगेशन में जाते हैं और पता चलता है कि जो उससे ऊपर की कोर्ट्स होती हैं वो उनको रिवर्स भी कर देती हैं। तो दीज टाइप ऑफ केसेस शुड नॉट बी टेकन एज प्रेसिडेंट्स एंड द असेसी शुड नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ मैनिपुलेटिंग द टैक्स और फॉर द इवेजन ऑफ द टैक्स। बट इन द एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे असेसी का ऐसा कोई इशू इन्वॉल्व हो गया है तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस टाइप के केसेस जो है वो असेसी की मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं इस केस का जो मेन टारगेट पॉइंट था और जो मूड पॉइंट था वो ये था कि सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ये कहती है कि असेसी के पास जिस डेट पे असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है उस दिन एक से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट नहीं होनी चाहिए। इस केस में असेसी के पास दो रेजिडेंशियल यूनिट थी लेकिन एक रेजिडेंशियल यूनिट उसने कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दी हुई थी, फिर भी असेसी को सेक्शन 54F का बेनिफिट ये कह के दे दिया गया
कि उसका यूज देखना है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल के लिए यूज हो रही है या रेजिडेंस के लिए, क्योंकि जो असेसी की सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेजिडेंशियल यूनिट है। और असेसी इस कंडीशन को पूरा करता है कि जिस डेट पे सेल की गई है उस डेट पे असेसी के पास खाली एक ही रेजिडेंशियल यूनिट है, और जो प्रॉपर्टी असेसी ने बेची है उसको बेच करके उसने जो दूसरा पैसा लगाया है वो एक और रेजिडेंशियल यूनिट में लगाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रॉपर्टी असेसी ने बेची है और उसका जो सेक्शन 54F में वो एग्जम्पशन लेना चाहता है, तो एक और जो प्रॉपर्टी एसएससी के पास थी जिसको एसएससी ने कमर्शियल पर्पसेस के लिए किराए पे दिया हुआ था, तो उसको डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि ये भी आपकी रेजिडेंस यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई रेजिडेंशियल यूनिट भी आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए किराए पे दी हुई है तो वो रेजिडेंस नहीं कहलाएगी, उसका पर्पस जो है वो उसके नेचर को डिसाइड करेगा। यदि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए दी गई है, चाहे वो रेजिडेंशियल यूनिट है, तब भी वो जो है वो कमर्शियल यूनिट ही कहलाएगी। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है प्रिंसिपल CIT वर्सेस श्रीमती हेमा कृष्णमूर्ति 2021, और ये केस 202 DTR पेज नंबर 89 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई डेलिब्रेशन I appeal to you that you may subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive future notifications for my coming videos. Thank you, friends.